साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.5 एनिमल्स। इसमें हम लोग ने पढ़ा था सेंस ऑर्गेन के बारे में, सेंस ऑफ स्मेल एनिमल वाले, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एनिमल कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इसी क्रम में हम लोग ने पढ़ा था यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की उपयोगिता हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद यह हम लोग का क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? तो इसका जवाब है 5। ठीक है, आपको इससे लिखना है देयर आर 5 सेंस ऑर्गेन प्रेजेंट इन, इसको ऐसे लिखना है देयर आर 5 सेंस ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। तो हाउ मैनी को आप कट कर दीजिएगा, लिखेगा देयर आर से शुरू कीजिएगा, देयर आर 5 सेंस ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ठीक है, बी नंबर है इन विच एनिमल सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी शार्प, किस जानवर में सेंस ऑफ स्मेल सबसे ज़्यादा तेज होता है? आप जानते ही हैं सेंस ऑफ स्मेल सबसे ज़्यादा तेज डॉग में होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है डॉग हैव वेरी शार्प सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, चलिए सी नंबर है हाउ बैट्स डिटेक्ट देयर प्रे, तो बैट्स डिटेक्ट देयर प्रे बाय इकोलोकेशन। देखिए कैसे पता करता है, इसके लिए क्या है कि हम लोग इस चैप्टर में चलते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, आपका बैट वाली जो बात थी उसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ दिया है ए बैट, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बड़ा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए बैट से लेकर के इकोलोकेशन तक आपको लिखना होगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा या इसको शॉर्टकट में मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे शॉर्टकट में लिखना है। आपको लिखना है बैट्स डिटेक्ट देयर प्रे बाई इकोलोकेशन लिख सकते हैं, और अभी जो मैंने बताया था वो सी नंबर का आंसर है, उसको टिक आउट करके आप लिख करके याद भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगे वैसा आप करेंगे। डी नंबर है बाय विच पार्ट डज ए बटरफ्लाई फील सराउंडिंग, किस पार्ट से सराउंडिंग को फील करता है? तो वो अपने फीट से। ठीक है, लिखेंगे ए बटरफ्लाई फील सराउंडिंग बाय यूजिंग देयर फीट, अपने पैरों से वो महसूस करता है। ठीक है, ई नंबर है विच एनिमल आर यूज टू डेकोरेट एंड हाउ, विच एनिमल्स आर यूज फॉर डेकोरेशन एंड हाउ। तो इसका आंसर जो है, अब ये लास्ट भी है, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग इससे से करेंगे। देखिए यहाँ डेकोरेशन के लिए दिया हुआ है, डेकोरेशन वाले सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं इसके आंसर में। ये आपका 1 के D का आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग 2, 3 और एक्टिविटी जो है वह भी हम लोग एज पॉसिबल कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।